हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रेखी वापीडी है। मेरे चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, मैं डिफेंस रिलेटेड सभी वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, जैसे कि इंडियन आर्मी हो गया, टेरिटोरियल आर्मी, एसएससी जीडी या डिफेंस रिलेटेड पैरामिलिट्री या कोई भी आसाम पुलिस वगैरह, जो भी कोई भी डिफेंस के रिलेटेड वीडियो हो, मैं सभी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड कराता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल का आइकन है उसमें प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी मैं इसी टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसीलिए साइड में जो बेल आइकन है उसमें भी प्रेस कीजिए। चलिए वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप टेरिटोरियल आर्मी की ओपन भर्ती में जाना चाहते हो तो आप ओपन भर्ती में जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाओगे। अगर आपको पता नहीं है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाना है, क्योंकि दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी एक ऐसा डिफेंस है जिसमें दोस्तों आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसमें ओपन होता है। दोस्तों उसमें आप लोग को एज लिमिट दोस्तों 18 से लेकर 42 ईयर्स तक एज लिमिट होता है, ठीक है। तो ओपन भर्ती होता है, कोई भी जा सकते हैं, जो भी जाना चाहते हैं वो उस रैली में जा सकते हैं। सबका जीडी का जो एज है वो 18 से लेके 42, एससी एसटी ओबीसी सबके लिए सेम है। तो मैं आप लोग को अभी आप लोग को डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों ओपन भर्ती है, ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं पड़ता, इसी की वजह से बहुत सारे लोग का मन में क्वेश्चन होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाओ। जो भी कैंडिडेट्स तो पहली बार गया है उस रैली में तो उन लोग को शायद पता होगा, लेकिन कभी भी जो उस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उन लोग का शायद मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैंने सोचा क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना है उसका मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँ कि जब भी आप रैली में जाओगे तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ जरूर लेके जाना है। नहीं तो लोगों दोस्तों इतना मेहनत के साथ आप जाओगे रैली में, उधर जाके आपको अगर फिल करा के भेज देता है तो आप लोग को बहुत बड़ी परेशानी होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं पड़ता, इसीलिए छोटी छोटी बातों पर आप लोग को फिल करा दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों सुन लीजिए, मैं अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पहले दोस्तों आप HSLC जो मैट्रिक यानी कि 10th अगर पास हो तो 10th पास का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जो बोर्ड का आता है, सब कुछ बोर्ड का ले जाना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एडमिट, मार्कशीट और मेन सर्टिफिकेट, ठीक है, क्लास 10 का। उसके बाद दोस्तों जो हायर सेकेंडरी यानी कि HS का दोस्तों 10+2 का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एडमिट, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है। ये रहा तो 10+2 का। अगर आपने BA कंप्लीट कर लिया, BA, BSc, BCom कोई भी कुछ भी अगर आपने कर लिया है तो उसका जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट वो आपने साथ ले जाकर लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको एक आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है, एक ID प्रूफ यानी कि दोस्तों आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड या वोटर ID या स्कूल का कोई भी ID, जो भी आपका ID प्रूफ है यानी कि दोस्तों ID प्रूफ जो भी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID जो भी आपका पास है वो आपने साथ लेके जाइए। मान लीजिए आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर ID नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपका जो क्लास 10 का मैट्रिक का जो एडमिट है वही उसी से सब कुछ काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास है तो ले जाइए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों PRC या डोमिसेल, अगर आप टेरिटोरियल आर्मी में जाना चाहते हो तो PRC या डोमिसेल दोनों में से कोई एक 100% लेके जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग को रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं देगा। मैं खुद का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपके पास PRC या डोमिसियल दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग को डेफिनेटली आप लोग को रैली में घुसने तक नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद कंप्यूटर का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, कंप्यूटर का अगर सर्टिफिकेट है तो वो भी अपना साथ लेके जाइए। कंप्यूटर का जो डिप्लोमा है अगर आपके पास है तो वो ले जाइए। अगर आपने NCC किया है यानी कि NCC का फुल फॉर्म है नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स, अगर आपने वो किया है, आपके पास ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट कुछ भी अगर आपके पास है तो वो ले जाइए, आप लोगों को बहुत बेनिफिट्स मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है यानी कि दोस्तों आपने इंटरनेशनल खेला है, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, अगर आप स्कूल से लेके आपका कॉलेज में जो गेम होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अगर आपने खेला है, उसका सर्टिफिकेट का भी वैल्यू है, ठीक है, वो भी आपने साथ, जो भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो साथ पे लेके जाइए, आपको बेनिफिट्स मिलेगा। दोस्तों एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपका कैरेक्टर कैसा है कैसे पता चलेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपने स्कूल से लेके जाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर पढ़ाई सूझ गया है तो कॉलेज पढ़ाई कर रहे हो कॉलेज से लेके जाना है, जहाँ से भी हो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा के ले जाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक्सचेंज सर्टिफिकेट, शायद आप लोगों को पता होगा जो एक्सचेंज ऑफिस होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक एक्सचेंज का ऑफिस होता है जिसमें आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स जमा कराना होता है, जिसमें 3 ईयर्स बाद उसको रिन्यू कराना पड़ता है, अपडेट कराना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं है वो एक्सचेंज का सर्टिफिकेट क्या है तो अपना जो दोस्त है या अपना बड़ा भाई को पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपने साथ लेके जाइए, अगर नहीं है तो एक कोड एविडेविट बना के ले जाइए कि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अभी नहीं है, मैं बनवा रहा हूँ, इसी टाइप से बना के ले जाइए।
लेकिन दोस्तों अगर आपके पास है तो बर्थ सर्टिफिकेट साथ में ले जाइए। उसके बाद दोस्तों रेशन कार्ड, जो आपका रेशन कार्ड होता है वो रेशन कार्ड भी साथ में ले जाना है, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी में कुछ भी मांगता है, ठीक है आपका। उसके बाद दोस्तों आपका जो लाइट का बिल देते हो, लाइट का बिल का जो पेपर है वो भी साथ ले जाना है, लाइट बिल आपका साथ ले जाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अभी NRC का प्रॉब्लम चल रहा है, NRC के रिलेटिव जो भी डॉक्यूमेंट्स है, NRC के रिलेटिव सब कुछ अपने साथ लेके जाना है, तभी आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका फादर का या मदर का कोई भी एक ID प्रूफ लेके जाइए, यानी कि फादर का वोटर ID होगा या पैन कार्ड होगा, इसी तरह से कोई ID लेके जाइए फादर का मदर का, ठीक है। तो आप लोग को उसके बाद दोस्तों फोटो, आपके पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होता है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दोस्तों लगभग 10 से लेके 15 फ़ोटो ले जाइए, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 10 से लेके 15 फ़ोटो आप साथ में लेके जाइए, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों मैंने अभी जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को बताया दोस्तों, सभी डॉक्यूमेंट्स का दोस्तों एक एक जेरोक्स कॉपी लेके जाना है, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट्स का एक एक जेरोक्स कॉपी ले जाना है, उसी के साथ जो भी बताया ना सब कुछ ओरिजिनल भी लेके जाना है, साथ में जेरोक्स लेके जाना है, ठीक है। दोनों को साथ में लेके जाना है, तभी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों आशा करता हूँ मैंने जो भी अभी बताया आप लोगों को शायद याद रह गया होगा, अगर याद नहीं रहा वीडियो को रुक रुक के आप लिख कर रख लीजिए, जब भी आप रैली में जाओगे तो उसके मुताबिक आप लेके जाना है। तो दोस्तों छोटी सी आप लोगों की विनती है, अगर आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो छोड़ता हूँ ना तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।